देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक सपना देखा है कि दिल्ली को साफ सुथरा शहर बनाना है, क्योंकि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की एक भी गली, एक भी मोहल्ला साफ नहीं किया और कूड़ा कूड़ा पूरी दिल्ली में हो गया, और आज नतीजा है कि बड़े बड़े लैंडफिल, कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बन गए हैं। अब दिल्ली की जनता भी यही चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार अब एक मेगा क्लीनिनेस ड्राइव की शुरुआत हुई कल, और इस ड्राइव का नाम है अब दिल्ली होगी साफ। इसके अंतर्गत हर गली के लिए 50 लोगों की टीम बनाई गई है और पूरे दिल्ली में 3000 लोगों की टीम होगी, जिसमें हर पार्षद, हर विधायक, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, संगठन के लोग हैं, वो गली गली जाके हर गली का निरीक्षण करेंगे और जहां जहां कूड़ा दिखेगा, जिनको हम कहेंगे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, ये डिप्टी कमिश्नर जो हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उन पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई करके देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी वो जहां भी कूड़ा दिखेगा इमीडिएटली विद फोटोग्राफ वो हमारी जो एप 311 है उस पर अपलोड हो जाए और विद इन 1 or 2 hours उन पॉइंट से वो कूड़ा उठा दिया जाए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे गलियों में जो कूड़े के पहाड़ हैं आने वाले टाइम में ना बने। इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा है डेंगू मलेरिया, वेक्टर मॉर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही जितने भी हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसके एमएस और एचओडीज के साथ हमने मीटिंग ली थी, जिसमें डिप्टी मेयर हमारे शामिल थे, नेता सदन शामिल थे, और हमने पूरी रिव्यू मीटिंग ली और हमने पाया कि अभी कुल मिला के उस दिन तक 3-4 दिन पहले तक 8 जो केसेस हमें मिले जो हॉस्पिटलाइज थे, और उसके अंतर्गत और कोई भी क्रिटिकल नहीं था और प्लेटलेट्स का लेवल इतना कम नहीं था, और अभी सिचुएशन फिर भी कंट्रोल में है, क्योंकि जितने भी हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है, और डीबीसी वर्कर हैं, मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं, जगह जगह जाके वो चेकिंग करें कि कहीं मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो, ताकि वहीं पर ऐसी जगहों पर जहां जहां मॉस्किटो ब्रीडिंग के चांसेस हैं वहां पर दवाई का छिड़काव जारी है।